नमस्कार बिहार में आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो जैसा मैंने आप सभी से बताया था कि बिहार में एक बार फिर से बम्पर भर्ती आने वाली है, तो उसके संकेत मिल गए हैं, नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। अभी जो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, क्लास 9, 10 और 11, 12 की भर्ती है, 6 से 8 वाली भी जल्द ही आ जाएगी। ये अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये एक तरह से कहां कहां से कितने अध्याचन आए हैं, कहां पे किस किस जगह पे कितने पोस्ट खाली हैं, उसके बारे में बताया गया। तो मतलब ये कंफर्म है कि जो नोटिफिकेशन आएगा वो इसी के अकॉर्डिंग आएगा, और जो जो पोस्ट खाली है उसी के जहां जहां आपका आप इससे देख सकते हैं कि मैक्सिमम सीट जो है आपकी कहां पे है बिहार में। ठीक है, तो यहां पर साफ साफ बोला गया है कि आप जब नोटिस पढ़ोगे तो प्रयुक्त विषय कक्षा 9, 10 तथा अध्यापन हेतु 18,880 विद्यालय अध्यापक, कक्षा 11 और 12 तक के अध्यापन हेतु 18,830 विद्यालय अध्यापक एवं कक्षा 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु 270 विशेष विद्यालय अध्यापक के पद स्वीकृत किया गया है। ठीक है, तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो 18, 18 दूनी 36 38,138 के अप्रोक्स आपकी ये भर्ती टोटल आ रही है। ठीक है, तो यहां आपका बहुत ही अच्छा खासा सिर्फ क्लास 9th से लेकर 12th तक 36 है, बाकी इतना ही मान के चलिए कि आपका कहां पर 6 to 8 भी है उसका भी ब्यूरो आपके सामने आ जाएगा कुछ दिनों में। तो अभी बिहार में यह बताया गया है कि इसके अंतर्गत कहां कहां पे आपकी सीटें हैं ये दिखाई गई हैं, और उसके जाहिर सी बात है जल्दी से ही नोटिफिकेशन आने वाला है। बोला गया है उक्त स्वीकृति पद अंतर्गत तत्काल कक्षा 9-10 तक के अध्यापन हेतु 18,880 विद्यालय अध्यापक और 11-12 से 18,830 विद्यालय अध्यापक एवं कक्षा 9-10 तक के लिए 270 विशेष विद्यालय अध्यापक का पद जिलों को आवंटित किया गया है। इससे संबंधित जिलावार एवं विषयवार विवरणी अनुलंघन 1, 2 और 3 के रूप में संलग्न है। संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आवश्यकता अनुसार इसे विद्यालयों को उपवांटित किया जाएगा। जिला को पर्याप्त विषयवार विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति की कार्यवाही बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में विहित प्रावधान के अनुरूप किया जाएगा। तो वही सब आपका यहां पर दिया गया है। तो देखिए कहां पे पोस्ट है आपकी और कैसे है, थोड़ा सा ये पीडीएफ आपको उल्टा लग रहा होगा, तो जैसे पीडीएफ मिली है आप देख सकते हो यहां पटना की बात की गई है, और पटना में सामाजिक विज्ञान की 83 है, गणित की 150, विज्ञान के 212, हिंदी के 149, अंग्रेजी के 135, संस्कृत 127, उर्दू 88 और संगीत के अगर बात करें 122, ललित कला नृत्य। तो अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ वैकेंसी किसकी आने वाली है, जिन लोगों ने एस्टेट दे लिया है, एस्टेट का रिजल्ट भी आ गया है, उनके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि एस्टेट के बाद ही कुछ ऐसे जो पिछली वैकेंसी आई थी उसमें काफी ऐसे बच्चे थे जो एस्टेट नहीं दिए थे, कई सालों से एस्टेट नहीं हुआ था, तो इसीलिए पहले एस्टेट कराया गया, अब तुरंत कक्षा 9 से लेकर 12 तक की भर्ती आ गई है। तो आप यहां पर देख रहे हो कि सीटें अगर हम बात करें तो सीटों में सबसे ज्यादा अगर संख्या रहेगी तो वो आपकी गणित की सीट और विज्ञान की सीट, हिंदी और अंग्रेजी, ये ध्यान रखिएगा कि इनकी सबसे ज्यादा सीटें आएंगी। तो गणित और विज्ञान के लिए तो भाई बीटेक बीसीए जो टेक्निकल वाले हैं उनको भी एलिजिबल कर दिया है, लेकिन बीएड होना चाहिए, बिना बीएड के नहीं। तो आप देख सकते हो अब यहां पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके क्या दिया गया है कि कितनी रिक्त सीटें हैं वो दिया गया है, और इसी पर आपकी कहीं ना कहीं भर्ती आने वाली है। तो आप ये देख सकते हो कक्षा 9 और 10 के लिए है ये, ठीक है, कक्षा 9-10 के लिए है, और ये भी आपका ये 11 और 12 के लिए है। यहां पर आप देख रहे हो 11 और 12 के लिए है, तो ये 11 और 12 के विवरण है पूरा ये दिया गया है। तो ये पूरा विवरण दिया गया है कि आपको कहां पर किस डिस्ट्रिक्ट में किस सब्जेक्ट वाइज पूरा विवरण दे दिया गया है कि कितने लोगों की जरूरत है, कैटेगरी वाइज भी दे दिया गया है। तो अब आप लोग एकदम कमर कस लें, जितने भी बच्चे बीएड वाले हैं, बीटेक के साथ बीएड वाले हैं, बीसीए के साथ बीएड वाले हैं, ये सभी साइंस और मैथ के टीचर बन सकते हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कई जगह पे कई स्टेटों में ये प्रावधान नहीं है कि जो बीटेक वाले हैं वो आपके मैथ साइंस के टीचर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा 9-10 टीजीटी पीजीटी में बोला गया है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सुनहरा मौका है बीएड वालों के लिए कि टीजीटी पीजीटी में ये अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। और बात ये अच्छी है कि इसके जस्ट पहले स्टेट हुआ है और उसका रिजल्ट भी आपका अच्छा खासा गया है, जितने मैक्सिमम लोग पास हुए हैं सीटेट की अपेक्षा तो देखा जाए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है एस्टेट का। तो इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलेगा, अभी ये 9, 10, 11, 12 का है और जल्द ही आपको क्लास 6-8 भी आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन, उसका भी विवरण आपका आ जाएगा कि कहाँ पर कितने पद हैं, किस सब्जेक्ट के हैं। तो आप लोग एकदम तैयार रहिए, अगर किसी को कोई भी दिक्कत है एलिजिबिलिटी चाहे किसी से लेकर तो वो आप इस YouTube चैनल पे आइए और वहाँ पे वीडियो पे कमेंट करिए, आपको हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। जो भी आपके सवाल हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे ही आपके नोटिफिकेशन आएगा टीम आपके लिए एकदम जो भी हो सकता है वो उचित मार्गदर्शन करेगी। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।